रेडी। स्वप्न सब देखते हैं कॉमा कल्पनाएं सबके मन में जन्म लेती हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं कॉमा जो उन्हें साकार करने का प्रयत्न करते हैं, और उनसे भी कम संख्या होती है उन व्यक्तियों की जो अपने स्वप्नों को सचमुच साकार कर पाते हैं। पूर्ण ब्रह्म तराचंच स्वप्नों की बात करना क्या केवल स्वप्न लोक की वस्तु है? प्रश्नवाचक नहीं कोमा। यदि स्वप्न ना होते कोमा उनको देखने वालों ने उन्हें यथार्थ जीवन से संबद्ध ना माना होता तो हम आज सभ्यता के वर्तमान शिखर पर कदापि नहीं होते। पूर्ण ब्रह्म इन स्वप्नों की बदौलत ही हम आज अंतरिक्ष की खबरें लाने में समर्थ हैं कोमा चंद्रलोक की सैर करने में सक्षम हैं कोमा विश्व ब्रह्मांड की माप करने का दम भरते हैं आदि। पुनर्ब्रह्म कौन नहीं जानता है कल्पनाशील कलाकार ही पत्थर के सामान्य टुकड़े में कलाकृति की कल्पना करने में समर्थ होता है। पूर्णब्रह्म ना मालूम कितने व्यक्तियों ने पक्षियों को आकाश में उन्मुक्त भाव से उड़ते देखा होगा और सोचा होगा कि वे भी आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकते हैं कोमा परंतु अपनी इन कल्पनाओं को साकार करने का संकल्प किया राइट बंधुओं ने और वे हमको हवाई जहाज दे गए। पूर्णब्रह्म तराचंच जेम्स बॉट और एडिसन ने स्वप्न देखे और उन्हें साकार करने के प्रयत्न करते हुए उन्होंने हमें विज्ञान के विभिन्न उपकरण प्रदान कर दिए। पूर्णब्रह्म इस दुनिया में सभ्यता एवं उन्नति के नाम पर हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब स्वप्न दृष्टाओं के स्वप्नों का ही योगफल
होता है पूर्णविराम। विश्व के इतिहास में से स्वप्न दृष्टाओं के वृत्तांत निकाल दीजिए कॉमा, फिर देखिए कि इतिहास में क्या पढ़ने योग्य रह जाता है पूर्णविराम। स्वप्न दृष्टा वस्तुतः मानवता के अग्रदूत हैं, वे कठोर श्रम एवं अनवरत साधना करते हुए कौमा अपने खून पसीने को एक करते हुए कौमा अपने स्वप्नों को साकार करने वाले साधक हैं। इन्होंने ही कंटकाकीर्ण वनों को साफ किया तथा पथरीली राहों को काट छांट कर मानवता के लिए साफ सपाट सड़कों का निर्माण किया है। मानव कल्याण के इन साधकों की भांति क्या आप भी मानव को भय एवं बंधनों से मुक्त करने का स्वप्न देखने की कामना करते हैं पूर्णविराम पराचंच? परंपरागत रूप से मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौमा कल्पना की वृत्ति अर्थात स्वप्न देखने की शक्ति के अनुसार जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं, अपने प्रयत्न के कृतकार्य होते हैं, विजय के स्वप्न को साकार करने की ललक भरे जापानी युवकों ने अपनी लाशों से खाई को पाट दिया था और जापानी फौजों के लिए रास्ता बना दिया था पूर्णविराम। सन 1904 में रूस जैसे विशाल देश पर कमा छोटे से देश जापान की सनसनी विजय का यही रहस्य था पूर्णविराम। उन्हीं के स्वप्न साकार होते हैं कौमा जो धूल मट्टी कौमा कीचड़ कचरा कांटे कंकड़ के बीच भी काम में लगे रहने में सुख की अनुभूति करते हैं पूर्णविराम पराचंच। आज कोई भी इस ऐतिहासिक तथ्य को झुठला नहीं सकता